अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एचईसी लैट टेस्ट के अंदर जो रिटन पोर्शन आता है 25 नंबर का, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली एसे आपका 15 नंबर का आता है और पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर के ऊपर आती है, जो कि आपने ऑन द स्पॉट वहीं पर लिखना होता है। और टॉपिक पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि एक आपको लिस्ट दे दी जाए कि ये 20-25 टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक्स में से जो है आपने एसे या पर्सनल स्टेटमेंट कोई भी आ जाएगी आपने लिखनी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शन है। आप उर्दू के अंदर अगर कन्वीनियंट हैं तो आपको उर्दू में लिखना चाहिए, अगर आप इंग्लिश के अंदर कन्वीनियंट हैं तो आपको एसे और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश के अंदर ही अटैम्प्ट करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक चीज़ आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं और दूसरी चीज़ आपने उर्दू में अटैम्प्ट करनी है। पेपर के अंदर ये चीज़ लिखी भी होती है कि आपने यू हैव टू राइट दिस एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। ऐसा आपने नहीं करना, अगर नहीं भी लिखा हुआ वहाँ पर फिर भी आपने दोनों चीज़ें या सेम लैंग्वेज के अंदर आपने लिखनी है। और अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई अब इसकी आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो बेसिकली हमारे पास ये किताब है पड़ी एलिमेंट्स ऑफ लैट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट की ये बुक है, आपके पास ये मौजूद है। अभी तक जितने भी लैट टेस्ट हुए हैं 15-20 जितने भी लैट टेस्ट पिछले 3.5 साल के अंदर हुए हैं, उन सारे लैट टेस्ट के अंदर जितने भी एसे जितने भी पर्सनल स्टेटमेंट पूछी गई हैं वो सारे के सारे 200 वर्ड्स लिमिट के अंदर ये लिखे हुए हैं। आप ये बुक लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और अभी हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि आप टॉपिक की सिलेक्शन किस तरह से करनी है या प्रिपरेशन आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि टॉपिक आपको एचईसी पहले से नहीं बताता, ऑन द स्पॉट आपको लिखना होता है। सबसे पहले हमें देखना है, हम पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले आता था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन होता था 10 नंबर का कि आप वकालत का शोभा किस तरह से अख्तियार करना चाहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जिस तरह से ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स जो है वो तकरीबन रेलेवेंट ही होते हैं और आपकी ओपिनियन मांग रहा होता है पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, या कि सिंपल आपके टॉपिक्स आ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को जो है जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन मांग सकता है। अगर ऐसे वाले हम लोग टॉपिक्स देखते हैं तो ऐसे के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स को टच करके एग्जामिनर जो है वो पेपर बना रहा होता है। जस्ट लाइक उसके अंदर एजुकेशन एक कीवर्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड तकरीबन जितने भी आप पास पेपर देखेंगे हर पास पेपर के अंदर तकरीबन आपको एक जो क्वेश्चन है वो एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। कि जस्ट लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, या आप क्या समझते हैं कि भाई किताबों से पढ़ना चाहिए या फिर आपको जो ई बुक्स हैं ऑनलाइन बुक्स हैं आपको उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से लड़कियों की और लड़कों की तालीम के अंदर इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक होता है तो आपने एजुकेशन से रिलेटेड तालीम निस्वा के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आते हैं वो आपने ज़रूर इस कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है और पहली अपनी प्रायोरिटी रखनी है। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी पेपर्स हुए हैं आप देखेंगे तकरीबन 70% पेपर्स के अंदर या 60% पेपर्स के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक को टच करके पेपर बनाया गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जामिनर कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ऐसे बनाता है या ऐसे लिखने के लिए कहता है, बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से आपने एक के ऊपर लिखना होता है, 3 टॉपिक्स की आपके पास ऑप्शन होती है कि ये 3 टॉपिक्स हैं इनमें से किसी भी एक के ऊपर लिख दो। तो पहला हम लोग कीवर्ड डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सोशल इश्यूज के बारे में आ रहा होता है कि आप जस्ट लाइक कोई भी एक सोशल इशू है, डिफोरेस्टेशन हो रही है या इसी तरह से जो है डिफोरेस्टेशन के अलावा जो है जो माहौल के अंदर आलूदगी वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकता है। और अगर उसके अलावा हम लोग देखते हैं करंट इश्यूज जो हमारे चल रहे होते हैं, करंट इश्यूज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर जो है मौजूदा हुकूमत बदली की और बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए या फिर जो है दूसरा सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसी तरह के जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं वो भी आपने उसकी खास तौर पर प्रिपरेशन करनी है। बाकी ये कोई डिसाइडेड नहीं होता कि एचईसी के अंदर कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है वही टॉपिक मैं आपको बता दूं आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। तो एक डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ मेन कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए भी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके आज का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।